जय जगन्नाथ। मु झिली आपण मानको स्वागत करछि मो चैनल ओडिया छुंको को। आज चलन तो बनेबा गोटे लॉस्ट रेसिपीज, जो रेसिपी की धीरे धीरे आम ओडिसा रो चली गलाणी, किंतु स्वाद रीटा बहुत बढ़िया। आ थैंक्स टू अनन्या पंडा महापात्र जी कि मते रेसिपी देले आ बनेबा पई परमिशन भी देले। थैंक यू अनन्या। ताले चलन तो आमे बनेबा आंबुल पानी। आंबुल पानी बनैया पई आगे गोटे मसला पेस्ट तैयारी करबा, जो थे मुठी 6-7 कोला रसुण नहीं, दीटा सुखिला लंका, गोटे बड़ चमच जीरा आउ 3 बड़ चमच कला सोरस नहीं। डिटेल इनग्रेडिएंट्स ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे चेक करने बे, मु पूरा तार मेजरमेंट लिखी देछि। एबे आमे मिक्सिंग जार रे सबु जिनस पकेकी, आप चाहिले सुखिला लंका को छिंडेकी भी पकेई परिवे, किंतु एमती पकेकी रसुण लंका यार टिके पानी देकी यार गोटे आमे फाइन पेस्ट तैयारी करनबा। सोरस बटा टी बेसी न बाटिले मिक्सिंग माने ग्राइंडर रे भल बाटी हुए नहीं, बेसी क्वांटिटी रे बाटी, किंतु यही मसला को आम गोटे डबारे स्टोर करनवा आउ जमा जो जो खाइबा चमच किंबा आपणकर मेजरमेंट स्पून कहिबे 2 बड़ चमच आम ए सोरस बटा आम तरकारी यूज करवा। आई डबा को आप चाहिए आपण जो डीप फ्रिजर सेक्शन रे आइस फॉर्म करके आप मसे जाके सोरस बटा को रखिपारे, आप फ्रिज रे बटा खराब किंतु माने डीप फ्रिजर रखिबे। एबे आपण माने देखिले मो मिक्सिंग जारे टिके पानी देकी धोई की ताको अलगा साइड करके एबे रखी दउछि। एबे एथिरे मो परिवारे नेछि बाइगण आलू आउ कखारु। बाइगण कखारु आलू को टिके बड़ बड़ काटिछि, आलू आ बाइगण को लंबा लंबा कखारु को बड़ शेप रे। किछि भेंडी नेछि जाकु मे 2 इंच लंबा रे काटिछि आउ किछि बढ़ी नबा। या परे हमरा रहला छुंक। छुंक पाई अध छोट चमच पंचफुटण, किछि पियाज गोटे बड़ पियाज जहाँ चुन चुन करी काटी नेछि, 4 कोला रसुण, गोटे आंबुल बड़ खंड आ गोटे सुखिला लंका, आ जो सोरस हलदी लुण से सब आपण मानको मु तयारी कला बेले देखैबि। एबे आमे कोन करबा, ए रसुण को हल्का एमती टिके कुटी दबा हेमदस्तरी, एमती टिके आमे ये कर दबा क्रस कर दबा, जेमती के बेसी पेस्ट करिवानी एमती खंड खंड रखिबा। देखि पार्थिबे एबे आमे गैस पाकु जिबा आ गैस ऑन करके गोटे छोट वासन बसैबा किंबा आपण माने कढ़ई भी बसै पारिबे, जो थरे मु एठी एबे 2 कप पानी देबी। पानी को फुटिबा पर्यंत अपेक्षा करिबा, सेथिरे आमे अध छोट चम्मच रु कम हळदी आ अध छोट चम्मच लुण देइ दबा। लुण देकी मीडियम फ्लेम रे पानी को फुटेबा, पानी रे फुट आसला बेलकु आमे सेते सब परिवा पकेइ दबा, खाली भेंडी आ बढ़ी को छाड़ी की कखारु आलू बैगण ताको पकेइ की 2-3 मिनिट एमती पानी रे आमे सिझेइ दबा। पानी को भल भाव रे फुटिबा को दबा मीडियम फ्लेम रे। तबे आपण माने देखि पार्थिबे बढ़िया भाव रे आमे पानी फुटी गलाणी, याकु मझिरे मझिरे टिके तळ ऊपर करी गोळेइ दबा, जहाद्वारा परिवा गुड़िक बहुत भल भाव रे आमर टिके सिझिजिव। भल भाव तो सीझेबा दरकार ना, बस 2-3 मिनिट सीझेबा, जमीक आम मानते पर सीझा दरकार ना, पर बस लुण हलदी पशिजी। एवं 2-3 मिनिट हो गला, चलत तो गैस बंद करुड़ पानी रू आम छाणी अलग बाहर करद। ए पानी को आम फपाड़ानी, ए पानी को आम आंबुल पानी जो ग्रेवी बनैवा से यूज करनवा। तो या को साइड करके रखुची, आ गोटे कढ़ई बसई से 3 बड़ चमच मु सोरस तेल देवी। सोरस तेल 3 बड़ चमच देकी तेल जो पूरा भल कि गरम हो धूआ उठ से बेले मुझे बढ़ी छाड़देवी। बढ़ी छाड़ी बढ़ी को भल भाव में भाजी नवा, जमीक ब्राउन कलर हो फ्लेम आपण मानकर मीडियम रु लो रखिए, ना बढ़ी पोड़ीजी। एबे देखंतु तो बढ़ी बढ़िया कलर आज जाइछि, बढ़िया भाजी हो जाइछि। एबे ताको आगे आमे काढ़ी नबा। बढ़ी काढ़ी सरला परे एबे एथे भेंडी पके कि संगे संग ढंकनी बंद कर दबा, ना हले भेंडी रे जो पानी थाए से पानी बाहर को छिटकी कि आमो ऊपर को भी आसीबार चांस थाए। 2 मिनिट परे ढंकनी खोली कि भेंडी को टिके उल्टा पल्टा कर दबा, उल्टा पल्टा करी कि पुणी थरे फोड़े दबा आउ 2 मिनिट पाई। भेंडी को टिके भल भाव रे एठी हमको भाजी नबार अछि, जेमती कि 2 मिनिट माने 4-5 मिनिट भाजी कि टिके क्रिस्पी कर दबा। तो एबे आपण माने देखि पर्थबे भेंडी हमर बढ़िया कि माने भाजिया पे कि सुंदर कलर आछि, अकेले सुंदर भाजी भी हेई गलानी।
बस एई स्टेज रे आमे भेंडी को बाहर कर नवा तेल रु छाणी छाणी बाहर कर नवा एठी म तेल यूज करिबिनी एई तेल रे ही आमे तरकारी बनेइबा। सब भेंडी काढ़ी सारा पर जो बलका तेल तेहरे आगे आम फुटण आ सुखिला लंका को पकईकी छुंक दबा। मो घर टे राग कम खाती से मु गोटे सुखिला लंका देची किंतु बहुत लोगों को सुखिला लंकार बासना बहुत भल लगे तो आपण मैंने आपण टेस्ट अनुसार ये दुई तीन चार किसी भी पक पारे तो एवं से मुझे पिज पकई पिज को आगे गोटे मिनिट मीडियम रु लो फ्लेम एमती भाजी नवा। देखु पिज आम गोटे मिनिट भाजी देकी तापर आम से जो रसुण को जो क्रस कर जो हेमदस्तार पकईकी कूटी से ही रसुण को आम पकईद रसुण को भी पकईकी आउ दुई मिनिट एमती पिज सांगे भाजी ना जहाद्वारा कौन गोटे बढ़िया बास्ना आसव। एवं देखु पिज आ रसुण बढ़िया कि भाजी हो गला बस यही जगार आमको एवं सोरस बटा दबार अच्छे जमीक मुझक कही दी बड़ चमच सोरस बटा दबा तो मुझे जो खाइबा चमच जोटा से फुल स्पून दौची जार माप कि दुई बड़ चमच सोरस बटार ही माप आम अध छोट चमच हलदी गुंड दबा देकि मसला को आम दुई मिनिट से लो टू मीडियम फ्लेम रे आम टे कषिद सोरस बटा को बेसी फ्लेम हाई करके कषिले टे पितुिया से लो रु मीडियम फ्लेम रे दुई मिनिट कषा कषि सारिक जो सीझे कि जो पनीपरिया रखी थे आलु बैगण कखारु आम ये भी देदबा आम भल भाव मिक्स कर नवा। मिक्स करके बस आउ दुई मिनिट मसला सांगे एमती कषि नवा बेसी गोलैबेनि कहीं पर सीझी जा भांगी एबे जो सोरस बटार जो पानी आम मिक्सिंग जार धोईकी जो रखी थे से पानी को देदबा से पानी को देकि आउटे एमती गोलैकी फुटेद जहाद्वारा कौन हम कि मसला पानी कंचा बास्नाटा भी पलैब टिके बस फुटेकी तापर से आम से जो आम जो सीझा पा बड़ी पर सीझा पा से सीझा पा को देद से सीझा पा को देकी एवं मिक्स कर करदे जदि आपण मन को झोल ये कम लगे ताहले आपण मैंने ये अध कप पा एक्सट्रा दे पारे एवं स्वाद अनुसार लुण आउ टे अध छोट चमच मत लगे तो से अध छोट चमच लुण आउ देकी ढांकुणी लगे कि मीडियम टू लो फ्लेम रे तीन रु चार मिनिट या भल भाव आम फुटवा को छाड़द तीन चार मिनिट पर ढांकुणी खोलिकी मुझे तरकारी देखा देखु तरकारी आम बढ़िया कि फुटी जा सोरसर कंचा बास्ना भी पलैसी आर भी बढ़िया सीझी जा विश्वास कर बढ़िया बास्ना आसकारी बस एवं भेंडी आेंडी सांगे आम ए बढ़ी पकईद आमर जो आंबूल खंड पकईद मुठी गोटे आंबूल पकईची कहीं आंबूल टी खटा था से गोटे आंबूल मो तरकारी बढ़िया खटा हो बेस खटा खाती आपई रु तीन खंड भी पकई पारे मानने आंबूल जो क्वांटीटी आप कम बेसी करें आंबूल भेंडी बढ़ी पकईकी दुई मिनिट बस आम मानते फुटेबा फुटे सारा पर आम तरकारी पूरा रेडी आम आंबूल पानी तैयारी हो जाए रेसीपी जोटा कि दिने हजिगला बेस लोक बनाऊना से रेसीपी को एमती बनैला बेलू आज बहुत खुशी लगुच जिते टेस्ट कली बहुत बढ़िया लगला चलत तो सर्व करवा सर्व करने पूर्व मु आउ थे अनन्या पंडा महापात्र को थैंक यू कह जहाँपाई आज आम रेसीपी आज पसिबल है थैंक यू अनन्या आ देखु आमर आंबूल पानी तैयारी हो जाए गरम गरम खटा खटा आंबूल पानी सांगे गरम गरम भात वाओ मत तो बहुत बढ़िया लगला आशा कर पसंद आसत बहुत बहुत धन्यवाद।